हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे द थियरी ऑफ एवरीथिंग मूवी की। यह मूवी वर्ल्ड फेमस फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स की लाइफ पर बनाई गई है। ईयर 2014 में रिलीज हुई इस मूवी को IMDb पर 7.7 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटोज पर इसे 80% एंड ऑडियंस स्कोर 84% मिला है, जो कि बहुत ही अच्छी रेटिंग्स है। अगर आप ऐसी ही मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप चाहे तो आई बटन पर क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। इस मूवी में स्टीफन हॉकिंग्स का रोल एडी रेडमैन ने प्ले किया है, जिन्हें हम द डेनिश गर्ल और फैंटास्टिक बीस्ट जैसी मूवी में भी पहले देख चुके हैं। और इस मूवी में उन्होंने स्टीफन का रोल बहुत ही परफेक्शन के साथ प्ले किया है। वैसे आपको बता दूं कि इस मूवी में स्टीफन के वर्क से ज्यादा उनकी लाइफ की स्टोरी पर ज्यादा फोकस रखा गया है। तो चलिए अब द थियरी ऑफ एवरीथिंग मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 21 ईयर की एज के लड़के से, जिसका नाम स्टीफन है। वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में एक रिसर्च स्कॉलर था। वैसे तो स्टीफन थोड़ा शाय पर्सन था। तभी उसकी मुलाकात जेन नाम की लड़की से होती है, जो कि एक लिटरेचर स्टूडेंट थी। उन दोनों की सोच बहुत ही अलग थी, क्योंकि जेन गॉड में बिलीव करती थी और स्टीफन को गॉड पर खास भरोसा नहीं था। वही जेन को पोएट्री पसंद थी और स्टीफन को नंबर्स। वो कहते हैं ना कि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, बस उन दोनों के साथ भी वही होता है। दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने लगती है और बस धीरे धीरे उनकी मुलाकात प्यार में बदल जाती है। अब एक दिन स्टीफन अपने एक प्रोफेसर के साथ एक लेक्चर अटेंड करता है, जिसमें ब्लैक होल्स के बारे में जानकारी दी जा रही थी। अब उसी वक्त स्टीफन डिसाइड करता है कि उसकी थीसिस अब टाइम यानी कि समय पर होगी, क्योंकि ब्लैक होल के उस लेक्चर ने उसे काफी इंप्रेस किया था। वो बहुत ही इंटेलिजेंट था। वो बस अब अपनी रिसर्च पर लग जाता है। उसकी डेडिकेशन देखकर लग रहा था कि जैसे अब स्टीफन को कोई नहीं रोक सकता था, पर शायद गॉड को यह मंजूर नहीं था। एक दिन स्टीफन की बॉडी उसका साथ छोड़ देती है। उसकी मसल्स काम नहीं कर रही थी और तभी वो यूनिवर्सिटी में अचानक से बेहोश हो जाता है। अब उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। तभी उसकी सब रिपोर्ट से पता चलता है कि उसे एक बीमारी है, मोटर न्यूरॉन डिजीज। इस बीमारी में इंसान की बॉडी पैरालाइज हो जाती है। वो ठीक से खा भी नहीं सकता और सांस भी ठीक से नहीं ले पाता। अब अचानक से स्टीफन की लाइफ बदल जाती है और डॉक्टर ने भी उसे साफ बता दिया था कि अब वो ज्यादा से ज्यादा 2 साल ही जी सकता है। उस सिचुएशन में भी स्टीफन हिम्मत नहीं हारता और डॉक्टर से पूछता है कि क्या बॉडी के साथ उसका दिमाग भी काम नहीं करेगा। तो डॉक्टर कहते हैं कि इस बीमारी में दिमाग का कोई डैमेज नहीं होगा, पर तुम जो कुछ भी सोचोगे वो किसी को बता ही नहीं पाओगे। यह सुनकर स्टीफन डिप्रेशन में आ जाता है। उसे यही लग रहा था कि उसकी लाइफ मीनिंगलेस है। तब जेन उसके पास आती है और उसे कहती है कि वह उसे प्यार करती है। जेन कहते हैं कि भले ही हमारे पास सिर्फ 2 साल बचे हो, पर हम वो 2 साल एक साथ रहकर बिताएंगे। जेन स्टीफन के डैड से मिलती है और उन्हें कहती है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टीफन को कौन सी बीमारी है या फिर उसके पास कितना वक्त है। मैं बस उसे सच्चे दिल से चाहती हूँ और जब तक वो इस दुनिया में है तब तक मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। आखिर वह दोनों शादी कर लेते हैं और उनके परिवार में एक बेटा भी आता है। अब भी अपनी थीसिस पर काम कर रहा था। स्टीफन का मानना था कि जिस तरह से बिग बैंग से दुनिया बनी थी, उसी तरह से बिग क्रंच से शायद दुनिया खत्म हो जाएगी, यानी कि बिग बैंग के बाद एक्सपेंड हो रहा यूनिवर्स फिर से सिमट जाएगा और फिर से बिग बैंग होगा। स्टीफन अपनी थीसिस और फिजिक्स में डे बाय डे एक्सपर्ट होता जा रहा था। वही उस बीमारी की वजह से अब स्टीफन चल नहीं सकता था। उनके दोनों पैर पूरी तरह से अब पैरालाइज हो गए थे। अब उसे व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ता है, पर फिर भी वो हार नहीं मानता और बस अपनी थीसिस पर वर्क जारी रखता है। उस बीच जेन अपने दूसरे बच्चे को जन्म देती है। यह एक बेबी गर्ल थी। उस दौरान स्टीफन को एक और सक्सेस मिलती है। वो ब्लैक होल की विजिबिलिटी से जुड़ी एक थियरी डेवलप करता है, जो उसे एक फेमस फिजिसिस्ट बना देती है। पर अब उसकी मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती है। जेन बच्चों का और स्टीफन का ख्याल रखती थी, पर उस वक्त उसे अपने लिए टाइम नहीं मिलता था और जेन खुद अपनी थीसिस पर काम नहीं कर पाती थी।
अब उसे लगता था कि उसे एक ब्रेक चाहिए। तभी जैन की मुलाकात जोनाथन से होती है। जोनाथन अकेला था क्योंकि एक साल पहले ही उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी। अब जैन और जोनाथन अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं और कुछ ही दिनों में जोनाथन जैसे स्टीफन फैमिली का हिस्सा बन जाता है। अब स्टीफन भी नोटिस करता है कि जोनाथन और जैन शायद एक दूसरे को चाहने लगे। तो स्टीफन जैन से कहता है कि मैं तुम्हारी जरूरियात समझता हूँ और मुझे जोनाथन के साथ तुम्हारे रिलेशन से कोई एतराज नहीं है, पर मुझे वादा करो कि तुम उम्र भर मेरा साथ निभाओगी। वही जोनाथन भी जैन और स्टीफन की फैमिली को अपनी फैमिली समझता था। वो जैन और उसके बच्चों को घूमने ले जाता था और इससे स्टीफन को जरा सा भी एतराज नहीं था। वो बस जैन की खुशी में ही खुश था। स्टीफन फैमिली में अब तीसरा बच्चा आता है। रिलेटिव्स को जैन और जोनाथन की नजदीकियों से एतराज था। उनमें से एक रिलेटिव जैन से पूछता है कि आखिर यह तीसरा बच्चा किसका है। उस वक्त जैन बहुत गुस्से में आ जाती है। आखिर वो अकेले में जोनाथन से मिलती है और उसे कहती है कि हम काफी अच्छे दोस्त हैं और मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, पर अभी यही अच्छा रहेगा कि हम अलग हो जाए, क्योंकि मेरे लिए स्टीफन से ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं है। और आखिर वह दोनों अलग हो जाते हैं। अब स्टीफन जोनाथन से मिलता है और उसे कहता है कि जैन की बात का बुरा मत मानना, वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करती है और उसे ही नहीं पर हम सबको तुम्हारी जरूरत है। स्टीफन आखिर क्रिएटिव पर्सन था, यह डाउट करना उसे शूट नहीं करता। अब स्टीफन को ओपेरा शो बहुत पसंद था तो वह ओपेरा परफॉर्मेंस देखने के लिए गया था। वहां पर वह अचानक से बेहोश हो जाता है, उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। तभी जैन भी वहां पर आ जाती है। अब डॉक्टर उसे कहते हैं कि स्टीफन की हालत अब बहुत ही खराब है और उसे कुछ वक्त के लिए वेंटिलेटर पर रखना होगा और अब स्टीफन के गले में एक होल किया जाएगा और उसी के जरिए उसे खाना पड़ेगा। इस बीमारी में खाना या पीना या फिर निगलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो डॉक्टर स्टीफन का ऑपरेशन करने के लिए कहते हैं, पर अब स्टीफन बिल्कुल नहीं बोल सकता था। तो जैन यह कहती है कि इस वक्त स्टीफन का जिंदा रहना ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो स्ट्रांग है और यह सब वो सर्वाइव कर लेगा। अब एन स्टीफन को स्पेलिंग बोर्ड के जरिए बात करना सिखाती है। वो यह प्रैक्टिस कर ही रहा था तभी उसकी लाइफ में एक एलन नाम की लड़की आती है जो उसकी नर्स थी। अब जैन नोटिस करते है कि स्टीफन और एलन शायद एक दूसरे को चाहते हैं। बस उसी वक्त स्टीफन की लाइफ में एक और नई चीज आती है जिसे वॉइस सिंथेसाइजर से हम जानते हैं। अब इस टेक्नोलॉजी की मदद से स्टीफन अपने माइंड में जो भी चल रहा था वो सबको बता सकते थे। तब स्टीफन डिसाइड करते कि वो एक बुक लिखेगा जिसका नाम उसने ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम रखा था और यह बुक एक बेस्ट सेलर बुक बन गई थी। अब स्टीफन अपनी वाइफ जैन को कहते कि वो एक अवार्ड लेने के लिए अमेरिका जाने वाले हैं और अपनी देखभाल के लिए अपनी नर्स एलन को भी साथ ले जाएंगे। बस उसी वक्त जैन समझ जाती है कि शायद अब उनकी शादी ज्यादा नहीं टिकेगी क्योंकि उसे साफ दिखाई दे रहा था कि स्टीफन और एलन एक दूसरे को चाहने लगे थे। अब जैन स्टीफन से कहती है कि उसने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। डॉक्टर्स ने भी साफ कह दिया था कि स्टीफन सिर्फ 2 साल ही जिंदा रहेगा, पर फिर भी उसने स्टीफन के लिए सब सेक्रीफाइस कर दिया था। आखिर दोनों के रिलेशन में दरारें पड़ने लगती है और वो दोनों डाइवोर्स ले लेते हैं। स्टीफन एलन के साथ अमेरिका जाते हैं। वो उस वक्त एक स्पीच देते हैं जो बहुत ही पावरफुल थी। उन्होंने उस वक्त कहा था कि इंसान की कोशिशों की कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए, कोई रुकावट नहीं। हम सभी एक दूसरे से अलग हैं। जिंदगी चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, हमेशा कुछ ना कुछ होता है जो आप कर सकते हो और उसमें आप कामयाब भी हो सकते हो। व्हाइल देयर इज लाइफ देयर इज होप, यानी कि जब तक जिंदगी है तब तक उम्मीद कायम है। जिस तरह से स्टीफन मल्टीपल टाइमलाइन की थियोरी पर भरोसा करते हैं उसी का एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाया गया है। वो इमेजिन करते हैं कि एक ऐसी टाइमलाइन है जहां पर वो अचानक से खड़े हो जाते हैं और उठकर चलने लगते हैं। वो टेबल के नीचे गिरी हुई बॉल पेन उठाकर उसे टेबल पर भी रख देते हैं। स्टीफन कहते हैं कि हो सकता है कि किसी पैरेलल टाइमलाइन में उन्हें ऐसी कोई बीमारी भी ना हो या फिर किसी टाइमलाइन में वो बिल्कुल ठीक हो चुके हो। स्टीफन हॉकिंस की अचीवमेंट और उनकी स्ट्रेंथ देखकर उन्हें क्वीन की तरफ से एक खास ऑनर दिया जाता है और क्वीन से मिलने के लिए बुलाया जाता है। हॉकिंस उस वक्त अपनी एक्स वाइफ जैन को और अपने बच्चों को बुलाते हैं और वो सभी रॉयल पैलेस आते हैं।
आखिर में स्टीफन और जैन अपने बच्चों की ओर देख रहे थे। उस वक्त स्टीफन कहते हैं कि देखो हमने क्या बनाया, यह बच्चे ही हमारी होप है, और बस यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। स्टीफन की एक्स वाइफ जैन ने एक बुक लिखी थी जिसका टाइटल था ट्रैवलिंग टू इंफिनिटी माय लाइफ विथ स्टीफन। यह मूवी भी उसी बुक पर आधारित है। बस उसी वजह से इस मूवी में भी स्टीफन और जैन की पर्सनल लाइफ पर काफी फोकस रखा गया है। हालांकि अब स्टीफन हॉकिंग्स हमारे बीच नहीं है, वो कैम्ब्रिज में अपने घर पर 14 मार्च 2018 को 76 ईयर की एज में मर गए थे। तो बस यहीं पर स्टीफन हॉकिंग्स की लाइफ पर बनी फिल्म द थियरी ऑफ एवरीथिंग की एक्सप्लेनेशन खत्म करता हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।